हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ग्रीन गार्डन। फ्रेंड्स, ये जेट प्लांट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस जेट प्लांट को कैसे एक बंसाई का आकार दिया जा सकता है, और इसके साथ साथ इसके कुछ प्रूनिंग भी करेंगे, कुछ वायरिंग भी करना पड़ेगा। ये जो जेट प्लांट है, ये कटिंग से मैंने ग्रो किया था करीब 4-5 महीना पहले, तब से इस पॉट में ये है। इसका ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ है। स्टेम आप देख सकते हैं, ठीक ठाक ग्रोथ आया है। मेरे हिसाब से अगर बंसाई करना है जेट प्लांट को, तो उसका जो वायरिंग करना है, उसका जो शेप देना है, तो शुरू में ही करना चाहिए। जब इसका स्टेम, इसका ट्रंक लाइन थोड़ा सा हल्का पतला हो, क्योंकि एक बार जब ये मोटा हो जाएगा, जब ये थिक हो जाएगा इसका ट्रंक, तो इसका उस टाइम बेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जेट प्लांट जो है, उसका ट्रंक बहुत ही सॉफ्ट होता है, और थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से ही वो टूट भी सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका अभी से इसका एक शेप दे देते हैं, ताकि इसका एक बंसाई का आकार बना रहे। तो प्लीज़ देखते रहिए कैसे मैं इसको एक आकार देता हूँ। तो इसके लिए मैंने, देखिए, 1.5 mm का एल्युमिनियम वायर लिया हूँ, जिससे मैं वायरिंग करने वाला हूँ, और उससे ही मैं शेप देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, शेप देने के लिए आप पहले इसका मिट्टी का अंदर थोड़ा सा इंसर्ट कर दीजिए इस तरह से। और फिर इसका चारी ओर, स्टेम के चारों तरफ इसका स्लोली स्लोली घुमाइए क्लॉकवाइज, और हाँ, 45 डिग्री एंगल बना कर इसको घुमाते रहिए। घुमाते वक्त ये देखना है तो दूसरा जो ब्रांचेस है उसका हानि ना पहुंचे। तो इस तरह से स्लोली स्लोली आपका वायरिंग करना है, खूब सावधानी से करना है, क्योंकि जेट का ब्रांचेस बहुत सॉफ्ट होता है, हल्का सा प्रेशर से ही वो टूट जाएगा। अभी पहले मैं इसका नीचे से जो ब्रांच मुझे ज़रूरत है नहीं, वो काट लेता हूँ, उसको प्रूनिंग कर लेता हूँ। इसलिए मैंने एक छोटा सा कैंची जो बहुत शार्प है उसका यूज़ कर रहा हूँ। अब ये बिल्कुल नीचे से जो है, इतना नीचे मुझे बंसा के लिए चाहिए नहीं, तो इसको मैं काट देता हूँ। ये भी बहुत ही नीचे है। अभी मैं देख लेता हूँ कौन सा ब्रांच मुझे रखना है और कौन सा काटना है। ये जो है बिल्कुल
मेरा सामने तरफ आ रहा है आई की तरफ, तो इसको भी नहीं चाहिए। ये इसका साथ अभी मैं इसको रख लेता हूँ, ये नीचे और एक छोटा सा है ये है, तो इसको भी काट देता हूँ। अगर ये ब्रांच को रख लेता हूँ तो ये, लेकिन इसके साथ ये जो पैरेलल है इसको रखना नहीं है, तो ये वाला मैं काट दूंगा, इसको मैं काट दूंगा। बस ज़्यादा प्रूनिंग करने का इसमें ज़रूरत है नहीं, इसमें ज़्यादा ब्रांचेस तो अभी है भी नहीं, तो अभी इन सब ब्रांचेस को भी मैं वायरिंग करूँगा और एक शेप दूंगा। अभी इसका एक शेप देना है। को भी सावधानी से इसका करना है। तो एक एस साइड एस शेप का ये बन गया है, मैंने इसको एस शेप बनाया हूँ, इधर से ऐसे करके एस शेप बन गया है। अभी इसका और भी प्रूनिंग थोड़ा करना है, इसको हर एक टिप्स को मैं काट दूंगा, प्रूनिंग कर दूंगा, ताकि वहाँ से और ब्रांचेस निकल आए और एक अच्छा सा एक कैनोपी उसमें बन सके। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने काट देता हूँ, पुलिंग कर लेता हूँ।
पीछे का ब्रांच मैं इसको रख देता हूँ, इसको भी हल्का सा प्रूनिंग कर लेता हूँ। और ये जो प्रूनिंग किया हूँ मैं, और ये जो ब्रांचेस है इसको मैं फेंकूँगा नहीं, इसको भी दूसरा प्लांट बनाने का काम आएगा। दूसरे इस कटिंग से भी मैं जेट प्लांट ग्रो कर सकता हूँ, और उसके लिए भी मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज का वीडियो, मैंने एक वायरिंग के ज़रिए इसको इस शेप बनाया हूँ। अभी इस प्लांट पॉट में मैं कुछ दिन और रखूँगा, उसके बाद एक बड़ा सा पॉट में डालूँगा ताकि इसका स्टीम और मोटा हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि इसको बंसाई अच्छी तरह से एक बंसे बन सके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला दिन में और अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूँ और आपके पास पहुँच जाए वो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।